सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडिया। और सिलसिला बाजारों का मैं आज एक बार फिर से चर्चा होने जा रही है यहां पे कृषि फसल बाजार के अपडेट की। जानेंगे कि आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार में कृषि फसलों का वायदा बाजार और नॉन एग्री कम्युनिटीज का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। रूपा जी, देख रहे हैं कैसा सीड का फरवरी वायदा 6472 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। 6490 का भी हाई लगा चुका है, हल्की सी मामूली सी करेक्शन है। रूपा जी, आपको क्या लगता है, क्या आज इंट्राडे में कैसर का 6500 का लेवल एक बार फिर से अचीव होता नजर आ सकता है क्या? देखिए, एक्सपेक्टेड है 6500 और इनफैक्ट 6540 तक ऊपर में तेजी पकड़ सकता है। 6540 से 6560 तक एक अपसाइड बन सकता है और नीचे में 6400 का ही सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल बाजारों में एक बार एक्सपेक्टेड है 6520 तक की तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है जी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वायदा देख रहे हैं 3140 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। बिनौला खल में भी देख रहे हैं रूपा जी कुछ ज़्यादा खास तेजी मंदी बनती नजर आई है, नहीं आ रही है। अब 3100 के लेवल्स पर स्टक हो गया, यहाँ पर रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल में यहाँ से कीमतें अभी और गिरा सकती हैं? देखिए, अभी गिरावट जो है 3080 तक एक बार जाती हुई दिखाई दे सकती है। टेक्निकली थोड़ा सा बाजार वीक हुआ है और नीचे में 3080 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आज के लिए इंट्राडे में गिरावट 3120 से 3080 की देखने को मिल सकती है जी। रूपा जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया और हल्दी तो अपने सपोर्ट लेवल से थोड़े से नीचे आ चुके हैं। हालांकि ठीक ठाक ही लेवल्स हैं, लेकिन कीमतों में कुछ करेक्शन देखी गई है। यहाँ पे जीरा भी देख रहे हैं धीरे धीरे अब करेक्शन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या अभी आने वाले समय में मसालों के अंदर वायदे में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है? देखिए, मसालों में भी अभी करेक्शन बनती हुई दिखाई दी, क्योंकि लगातार तेजी के बाद आज देखिए सभी ऑलमोस्ट कमोडिटीज के अंदर गिरावट है। तो मसालों में मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा करेक्शन जोन में जा सकता है मार्केट, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, अभी थोड़ा बहुत करेक्शन जो है वो आ सकता है। धनिया देखिए, धनिया तो अभी भी 10,000 के ऊपर ही है, तो बहुत ज्यादा कोई गिरावट की उम्मीद है नहीं अभी फिलहाल धनिया के अंदर। और वहीं अगर बात करें जीरा 1900 से लेकर 400 की रेंज नीचे में है, लेकिन बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्टेड नहीं है, मुझे लगता है यहीं से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हाँ, हल्दी जरूर लुढ़की है ऊपरी स्तरों पर, हल्दी एक बार 9800 के आसपास सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे सकती है। हल्दी में थोड़ा करेक्शन यहाँ से बढ़ सकती है, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर एक बार हैवी बिक वाली हमें देखने को मिली है, जिसकी वजह से हल्दी की कीमतें नीचे आई है, लेकिन 9800 के आसपास सपोर्ट हल्दी में भी आता हुआ दिखाई दे सकता है जी। रूपा जी, इनसे बात करें अगर ग्वार गम और गवाह सीड की, तो देख रहे हैं कि कल के मुकाबले आज करेक्शन बननी स्टार्ट हो गई है। जैसे कि आपने कहा था कि ग्वार गम और गवाह सीड में यहाँ से अभी जो करेक्शन है वो गहरा सकती है। देख रहे हैं कि ग्वार गम 12,000 का लेवल तोड़ चुका है, 11,900 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, और गवाह सीड 6300 पर। आपको क्या लगता है, क्या अब ग्वार गम गवाह सीड में लोअर सर्किट्स भी लग सकते हैं? देखिए, जो ग्वार गम और ग्वार सीड है इनमें गिरावट ऊपरी स्तरों पर जरूर हावी होती हुई दिखाई दी है, और बिल्कुल इसके अंदर एक बार गिरावट जो है वो बढ़ सकती है। और मुझे लगता है कि ये गिरावट जो है नीचे में एक बार आपको जिस तरीके से 12,000 के नीचे लुढ़का है मार्केट, तो एक बार 10,000 के आसपास तक का सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। और आज जो है बाजारों में गिरावट जो है एक बार 11,600 से लेकर 11,200 तक इंट्राडे में जाती हुई दिखाई दे सकती है, और ग्वार सीड 6280 तक एक बार लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है जी। से रूपा जी, बात करें अगर कपास की, तो कपास में आपको लगता है, कॉटन में आपको क्या लगता है, क्योंकि देख रहे हैं कि प्रोडक्शन थोड़ा कम बताया जा रहा है। जो CAI है उन्होंने तो 12 लाख टन की, उन्होंने 12 लाख गांठ की अपनी कमी करी है उत्पादन अनुमान में, लेकिन जो हाजिर कारोबारी हैं वो और भी कम कपास का उत्पादन बता रहे हैं कि 320 लाख गांठ से ज़्यादा का नहीं है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कॉटन में यहाँ से कीमतें अभी और बढ़ेंगी? कीमतों में अभी तेजी है और वायदा में कीमतें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 38,000 के ऊपर सस्टेन कर सकती हैं, 38,000 तक की तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो मुझे लगता है कि कॉटन में अभी भी बाइंग जो है वो इनिशिएट है मार्केट के अंदर और अच्छी खासी डिमांड निकल रही है, लेकिन यहाँ पर फ्रेश बाइंग नहीं लेना है, फ्रेश बाइंग काफी रिस्की हो सकता है, इसीलिए
जो तेजी आ रही है उस तेजी में बल्कि माल को धीरे धीरे लिक्विडेट करना है। मार्केट में कब गिरावट आ जाएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हैं। तो इसलिए बाजारों के अंदर जो तेजी है वो कितनी सस्टेनेबल होगी यहाँ पर इस लेवल के ऊपर थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो इसलिए तेजी है मार्केट में नो डाउट, तो धीरे धीरे आपको लिक्विडेट की रणनीति रखनी चाहिए। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर अब सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है, क्योंकि हमने यूएस सोयाबीन देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में यूएस सोयाबीन अच्छे खासे लेवल्स पर है। कल को हमने 1493 पर ट्रेड करते देखा था, आज देख रहे हैं 1480 से ऊपर ही ट्रेड करता नज़र आ रहा है। रूपा जी, विदेशों में तो सोयाबीन तेजी की ओर है और भारत की बात करें तो मंडियों में आवक के नाम मात्र के बराबर ही रह गई है, किसानों ने अपनी सोयाबीन को होल्ड करके रखा हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, सोयाबीन के फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद सोयाबीन में तेजी क्यों नहीं बन पा रही है? देखिए अभी यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में उतना डिमांड पिकअप नहीं हो रहा है, इस वजह से तेजी नहीं है। और यहाँ पर गवर्नमेंट भी काफी रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, इस वजह से भी कीमतों को अंदर अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इन लेवल्स के ऊपर खरीदार नहीं है, क्योंकि देखिए जिनके पास माल रखा है उन्होंने स्टॉक रखा हुआ है कि अभी प्राइसेस और ऊपर जाएंगे और वहां पर माल को लिक्विडेट करेंगे। लेकिन विदेशी बाजारों में जो तेजी आ रही है उसका असर जो है वो डोमेस्टिक मार्केट पर आता हुआ दिखाई दे सकता है, आगे चलकर तेजी बन सकती है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हमारे साथ सादिक मोमिन जी, जिनका सवाल रिफाइंड सोया ऑयल और सीपीओ को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं कि रिफाइंड सोया ऑयल और सीपीओ में क्या करना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से अभी फिलहाल बाइंग के लिए वेट करना चाहिए, डिप पर आप छुटमुट बाइंग ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं उसके चलते एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी इसी रूपा जी, बात करें अगर दालों की तो दालों में अभी कैसे रुझान है, क्या कीमतें? देखिए दालों में अभी फिलहाल गिरावट का रुझान है और मुझे लगता है कि दालों में गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देने चाहेंगी आप आज के लिए जिनमें अच्छा मुनाफा कमा कर चला जा सकता है? देखिए आज इंट्राडे की अगर बात करें तो अखिलेश इंट्राडे में आज ऑलमोस्ट सभी कमोडिटीज के अंदर गिरावट ही हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आज इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाना चाहिए, छुटमुट गिरावट बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ग्वार के अंदर हल्की बिकवाली करके चला जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इसको सस्टेन नहीं करना है। मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर आज हल्की बिकवाली के अंदर रहा जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार सुबह के कारोबारी सत्र में कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।